बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा आपके साथ जो लेक्चर है वो सीरत का है, सबसे सच्ची कहानी प्यारे नबी की प्यारी सीरत। तो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको रीडिंग की करवाई थी, ठीक है, वो है पेज नंबर 60 से 64 तक, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको रीडिंग करवाई थी। आज मैं जो रीडिंग आपको करवा रही हूँ, ठीक है, पेज नंबर 65 से, आपने मक्का से बैतुल मुकद्दस तक और वहाँ से सात आसमानों से ऊपर तक का सफ़र रात के बहुत थोड़े से वक़्त में तय कर लिया था, थोड़े से वक़्त में तय कर लिया था। अब्दुल्ला ने बताया, मक्का के आम लोगों और ख़ास तौर पर सरदार मक्का ने इस वाक़े के मतलब क्या रद्दमल ज़ाहिर किया था, उन्हें दरियाफ्त किया। जब सुबह हुई तो रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को उन बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में बताया। अबू जहल ने जब यह सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मक्का से बैतुल मुकद्दस गए हैं, तो उसने तोहीन अमेज अंदाज में कहा, ये कैसे हो सकता है, कोई आदमी रातों रात मक्का से बैतुल मुकद्दस जाकर वापस भी आ जाए, ये कतन मुमकिन नहीं। इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अबू जहल ने यह सुनकर आप से लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा कर लिया और ये सब मिलकर आपका मजाक उड़ाने लगे, यानी कि आपकी तोहीन करने लगे, आपका मजाक उड़ाने लगे। नाऊज़ुबिल्लाह, रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं वाकई रात को मक्का से बैतुल मुकद्दस और वहाँ से आसमानों पर गया और फिर मक्का वापस पहुँचा हूँ। फिर आपने उन्हें कुछ निशानियों के बारे में वजाहत से बताया। सरदार मक्का ये सुनकर आपका और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगे, वो इस बात पर यकीन करने के लिए कतन तैयार नहीं थे कि मक्का से बैतुल मुकद्दस का कई हफ्तों का सफ़र एक रात में तय हो सकता है। सरदार मक्का में से एक ने रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी साथी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से इस वाक़े का जिक्र किया। इसका ख्याल था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतहाई करीबी दोस्त और साथी से महरूम हो जाएंगे। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सारा वाक़ा सुनकर कहा, अगर ये सब कुछ रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वह बिल्कुल सच कहते हैं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ। यही वजह है कि इस वाक्य के बाद हज़रत अबू बकर सदीक के लकब से मशहूर हो गए, सदीक का मतलब है बड़ा सच्चा। अब सरदार मक्का ने आपको आजमाने का फैसला किया, इकट्ठे होकर आपके पास आए और पूछने लगे, आप हमें बैतुल मुकद्दस की निशानियाँ बताएं। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले बैतुल मुकद्दस में देखा ना था इससे पहले बैतुल मुकद्दस देखा ना था और ना उस रात उसकी निशानियां याद रखी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस आपकी आंखों के सामने कर दिया। आप इसको देखते जाते और इसकी निशानियां बताते जाते। आपने बैतुल मुकद्दस की एक एक निशानी और जगह बताई, वो आपकी तरदीद ना कर सके, बल्कि ये एतराफ़ किया कि जहाँ तक बैतुल मुकद्दस की निशानियों का ताल्लुक है वो आपने बिल्कुल ठीक बयान की हैं। उन्होंने अपने एक काफिले के मतलब सवाल किया जो मुल्क शाम से आ रहा था। आपने इस काफिले के ऊँटों की तादाद और काफिले के सबसे अगले ऊँट के बारे में बताया, गर्ज आपने सब बातें तफसील से बयान फरमाई। ये सारी बातें सुनकर आपकी उनकी ज़ुबानें बंद हो गईं, लेकिन ईमान उनकी किस्मत में नहीं था, इसलिए वो इसे आपके जादू का करिश्मा कहने लगे। अब्दुल्ला ने तफसील से बताया, इस अहम वाक्य के बाद क्या हुआ, रकू ने पूछा, वाक्या मिराज के बाद हालात ने क्या रुख इख्तियार किया, इसके मुतालिक आप लोगों को कल बताऊँगा। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने अपनी झोंपड़ी की राह ली चबूतरे के इर्द गिर्द लोग बैठे थे, लेकिन सरदार मौजूद नहीं था। अब्दुल्ला के पूछने पर ताकू ने बताया कि करीब के बिल्ले का सरदार हमारे सरदार के बीमार बच्चे का हाल पूछने आया था, इसलिए उन्हें यहाँ आने में ताखीर हो गई, यानी कि देर हो गई, बस आते ही होंगे। ताकू ने अभी इतना ही कहा था कि दूर से सरदार आता हुआ नजर आया। सरदार चबूतरे पर पहुंचा तो अब्दुल्ला ने बीमार बच्चे का हाल पूछा तो सरदार ने बताया कि बच्चा अब पहले से बहुत बेहतर है। अब्दुल्ला ने यह सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी पूरी बात का आगाज इस तरह किया, जजीरा नुमाया अरब के मुख्तलिफ इलाकों के काफिले जब हज के लिए मक्का शहर पहुंचते तो आप इन काफिलों के साथ आने वाले लोगों को बताते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अगर तुम मेरी बातें मान लोगे तो दुनिया आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाओगे। मक्का के सरदार इन काफिलों के साथ आने वालों को रहमत दो जहाँ से मिलने से रोकने की कोशिश करते और इन्हें बताते कि नाऊज़ बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, इनके जादू से बच जाएँ, लेकिन सरदार मक्का की यह कोशिश नाकाम होती चली गई। तो प्यारे बच्चों, मैं आज की रीडिंग यहीं तक आपको करवा सकी हूँ, तो आपने मज़ीद दो पेजेस की रीडिंग खुद करनी है, यानी कि 70 तक इस रीडिंग को करना है।
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں میں آپ کو اس کے ایم سی کیوز کرواؤں گی. آپ نے پیج نمبر 70 تک اس کی ریڈنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے, کلاس 3 اور کلاس 5. ہاں جی, دونوں کی ریڈنگ سیم ہے. تو آپ نے یہ 70 تک, آپ نے 60 سے 70 تک ریڈنگ کرنی. آج جو میں نے ریڈنگ کروائی ہے وہ پیج نمبر 68 تک ہے, ٹھیک ہے. دو مزید پیج آپ نے کرنے ہیں. اوکے, اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے.